हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्र राणा। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपकी गाड़ी बहुत समय तक खड़ी रहती है या लॉकडाउन में आप यूज नहीं कर रहे हो, तो उस गाड़ियों का क्या क्या चीजों का प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हम लोग डेली कुछ ना कुछ अच्छी कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं, काफी शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहली जो चीज है, बेसिक चीज की, हम लोग गाड़ी चालू करने के लिए जाते हैं, तो जब भी हम लोग गाड़ी चालू करते हैं उसे आइडलिंग सिचुएशन में रखिए। आइडलिंग सिचुएशन में रखने का रीजन ये है कि आपकी गाड़ी लॉन्ग टाइम से अगर खड़ी है तो ऑयल जो होता है वो चेंबर में नीचे जमा हो जाता है। तो जब भी हम लोग गाड़ी चालू करते हैं तो इंजन में ऑयल सर्कुलेट होने को पंप के थ्रू थोड़ा टाइम लगता है, तो सीधा रेस मत करिए, उसे आइडलिंग में रखिए ताकि इंजन लुब्रिकेट हो जाए और उसके बाद में उसको आप रेस कर सकते हो, नहीं तो इंजन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। अगर गाड़ी चालू हुई तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर गाड़ी नहीं चालू होती तो क्या करना है। तो जब भी दोस्तों अगर आप एंट्री मारते हो, गाड़ी शुरू करने को ट्राई करते हो, गाड़ी अगर तुरंत शुरू नहीं होती है तो थोड़ा एक 12 से 15 सेकंड का बीच में उसे गैप दीजिए, सो बैटरी जो है वापस रिकवरी के लिए आने के लिए उसके 15 सेकंड लगते हैं। कंटिन्यूसली सेल्फ ना मारिए, अगर कंटिन्यूसली सेल्फ मारोगे तो बैटरी भी डैमेज होंगी और डाउन भी जल्दी होंगी, तो 15 से 20 सेकंड का जरा उसको पॉज दे के ही सेल्फ मारिए। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी नहीं चालू हो रही है तो धक्का मार के आप स्टार्ट कर सकते हो, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आपके कोई भी बैटरी मैकेनिक है या बैटरी के कोई डीलर है उसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आके आपकी गाड़ी, अगर गाड़ी की बैटरी वारंटी में है तो डेफिनेटली कि वो आपके हेल्प करेंगे। अगर बैटरी का वारंटी ख़त्म हो चुका है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यूजुअली एमरॉन रिकमेंड करता है कि एक महीने तक अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी होती है तो कुछ होता नहीं है बैटरी को, एक महीने में एक बार आधे घंटे के लिए आपको बैटरी को चालू करना होता है, और उसके पहले अगर आपका बैटरी डाउन हो चुका है दैट मीन्स वो वीक था, मैं रिकमेंड करूंगा चेंज कर दीजिए। एक टिप देना चाहूंगा इसके लिए भी, एक सतर्क रहिए एज अ सतर्क नागरिक कि MRP होती है हर बैटरी के ऊपर, तो MRP से ज़्यादा पैसे मत दीजिए, और आपकी जो पुरानी बैटरी होती है उसकी भी कुछ कॉस्ट आती है तो डीलर से निगोशिएट कीजिए, तो आपके पैसे भी बचेंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे हैंड ब्रेक के बारे में। हर गाड़ियों में हैंड ब्रेक होते हैं, लोग क्या करते हैं जब भी गाड़ी पार्क करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए जब पार्किंग कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक मैं रिकमेंड करूंगा कि रिलीज करके रखिए, उसे पकड़ के मत रखिए। अगर हैंड ब्रेक ऑन रहेगा तो पिस्टन कहीं ना कहीं जाम होने के चांसेस होते हैं, और जब भी आप एक आध महीने के बाद में गाड़ी चलाते हो, हैंड ब्रेक अगर रहेंगे तो पिस्टन जाम हो गया अगर, तो गाड़ी टो करके लेके जानी होगी, तो काफ़ी दिक्कत दे सकता है, तो इसे नीचे रखिए हैंड ब्रेक को। हैंड ब्रेक को नीचे डालेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग देना ज़रूरी होता है। फर्स्ट गियर में जैसी गाड़ी गई है तो इंजन है ये ब्रेक करके रखता है, तो यूजुअली गाड़ी आगे पीछे नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी दोस्तों ऑटोमेटिक है तो उसको पी में रखिए, पी मतलब पार्किंग, तो पार्किंग में भी जो इंजन ब्रेकिंग हुआ रहता है, और काफ़ी गाड़ियों में बटन्स होते हैं जो हैंड ब्रेक के, वो भी रिलीज करके रखिए, उसे ऑन मत रखिए। अगर स्लोप में है आपकी गाड़ी खड़ी तो पीछे से कोई ईंट वगैरह रख दीजिए, या आगे में, आगे का स्लोप है तो आगे में ईंट रख दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक आगे जाने से रोक सकता है गाड़ी को। बैटरी के बारे में जो दोस्तों बात करूंगा, अगर आपको थोड़ा नॉलेज है बैटरी का, आप अगर वायर निकाल सकते हो प्लस का तो ये निकाल के रख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसे हमेशा करंट की ज़रूरत होती है, जैसे BMW है, स्कोडा की काफ़ी नई गाड़ियाँ है, तो वहाँ पे अगर आप वायर निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं चेक इंजन लाइट आ जाता है और कहीं ना कहीं गाड़ी को फिर से स्कैन करना होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एवरी 15 डेज एक 15 मिनट के लिए आप गाड़ी चालू कीजिए और आगे पीछे थोड़ा करिए। आगे पीछे क्यों की करिए, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये होता है कि गाड़ी अगर आपकी एक जगह पे खड़ी है और आप अगर आगे पीछे नहीं करते हो तो वो जगह जो होता है टायर का, वहाँ पे फ्लैट कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। तो फ्लैट कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये गाड़ी एक जगह पे खड़ी होने की वजह से नीचे का ये जो रबर का जो पोर्शन है वहाँ पे कहीं ना कहीं गाड़ी का इंजन का वेट गिरता है, पूरा गाड़ी का वेट उसके ऊपर रहता है, राइट। तो वहाँ पे फ्लैट कॉन्टैक्ट होने की वजह से आपको वॉबलिंग जाएंगी टायर में, तो 15-20 दिनों में आगे पीछे करते रहिए गाड़ी को, तो वो जो फ्लैट कॉन्टैक्ट है वो नहीं क्रिएट होगा। गाड़ी जब भी निकालते हो तो मेक श्योर कीजिए कि चारों टायर का जो प्रेशर है वो बराबर है। बहुत से टाइम अगर ऐसा होता है कि गाड़ी में एक किला होता है और एक महीने के खड़े होने की वजह से गाड़ी के जो हवा है टायर की निकल जाती है, आपको अगर टायर चेंज करना नहीं आता है तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसके टिप्स दिए हैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे आप जाके चेक कर सकते हो। तो चेक कीजिए कि आपके चारों टायर का जो प्रेशर है वो एक्यूरेट है या नहीं, और उसके
उसके बाद ही गाड़ी को आगे चलाइए। अब दोस्तों गाड़ी को चलाते हो मामूली सा अगर ब्रेक का आवाज वगैरह आता है, उसका रीजन ये होता है कि काफी टाइम से अगर गाड़ी खड़ी है तो जो रूटर्स रहते हैं, जो डिस्क रहती है ब्रेक की, उसके ऊपर रस्टिंग पकड़ा जाता है क्योंकि वो यूज नहीं हो रहे थे उसकी वजह से, तो उसकी वजह से वो आवाज आने का चांसेस है। तो धीरे चलाइए, ज्यादा स्पीड मत करिए इनिशियल लेवल पे, थोड़ा गाड़ी को लुब्रिकेंट होने को टाइम लगता है, तो एकदम से रेस करना मत चालू की दोस्तों। और छोटी छोटी चीजें, विंडो नीचे उतार के रखिए, विंडो नीचे उतारने से क्या होगा कि एयर फ्रेश होगी। और एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा, अगर आपके यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स है या फिर कैंपर जिसे कपूर कहते हैं, तो कपूर गाड़ी में ला के रख दीजिए, तो जो छोटी छोटी चींटियां या छोटे छोटे इंसेक्ट्स है वो गाड़ी में नहीं आते, कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो नहीं आते गाड़ी में। गाड़ी में जब भी एंट्री मारते तो थोड़ा फ्रेश स्मेल आती है, अच्छी स्मेल आती है, और जो इंसेक्ट्स है वो नहीं आते। तो गाड़ी के विंडोज नीचे करिए, एयर को थोड़ा सर्कुलेट होने दीजिए, गाड़ी के दरवाजे खोलिए, कहीं ना कहीं वो जो रबर्स के ये रहते हैं अंदर में बिडिंग्स, वो भी चिपकने के चांसेस होते हैं, तो दरवाजे खोल के बंद कीजिए, तो कहीं ना कहीं वो भी फ्री रहते हैं। एक जगह गाड़ी खड़ी रहने से चूहे भी काफ़ी जल्दी आते हैं गाड़ी के अंदर, तो देर आर चांसेस कि चूहे अगर आपके गाड़ी में आ जाए और वायरिंग वगैरह भी कट कर सकते हैं। तो बीच बीच में गाड़ी को क्लीन रखिए, आगे पीछे करते रहिए, गाड़ी अगर चालू करने का मौका मिलता है तो गाड़ी चालू भी कीजिए। अगर आप श्योर हो कि 7 से 8 दिन के ऊपर आप गाड़ी चलाने वाले नहीं हो या हफ्ते में एक बार निकालने वाले हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास में बॉडी कवर है बाइक या कार के लिए, दोनों को बॉडी कवर करके रखिए। उसका रीज़न ये होता है झाड़ के पत्ते वत्ते गिरते हैं तो काफ़ी गंदा होने के चांसेस होते हैं कलर के, और कहीं ना कहीं जो स्विल मार्क्स है वो जल्दी आने के चांसेस होते हैं, और गाड़ी का जो एक पॉलिश है वो जल्दी ख़राब होता है। तो अगर आपके पास में है तो उसका प्लीज़ यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 2-3 दिन में 4 दिन में एक बार जाके जो झाड़ के पत्ते वत्ते उसे भी क्लीन करते रहिए तो अच्छा रहेगा, तो गाड़ी थोड़ी अच्छी दिखेंगी। नहीं तो फिर एक ही जगह बहुत दिन तक खड़ी रहेंगी तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट ये वो जमा होंगी और गाड़ी बहुत गंदे कंडीशन में रहेंगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो आपको काफ़ी यूजफुल होंगी। तो दोस्तों ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, आपके फैमिली मेम्बर आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, सो उनको भी काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आएगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप the city clean. Thank you.